तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे आकलन कार्य पत्रक 10 SST क्लास 9 जो कि आपको 29 नवंबर को प्रोवाइड किया गया है। टोटल आज की डेट में आपको पांचों सब्जेक्ट के असेसमेंट प्रोवाइड किए गए हैं, असेसमेंट 10 इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस और SST। तो साइंस और मैथ अपलोड है, चैनल पर विजिट करो, प्लेलिस्ट 10 की मिल जाएगी या फिर कमेंट करो, मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। आप ओपन करके लिख लेना और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंस का जो पेपर होगा उसमें से भी 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो SST के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, देखते हैं इसके आंसर। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फ्रांसीसी समाज में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट का सही का मिलान सही है। तो आपका ए ऑप्शन राइट है यहाँ पर, प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, ठीक है, तो 1 में आपका ए ऑप्शन राइट है। सेकंड क्वेश्चन है, किस किताब में रूसो ने एक व्यक्ति एक वोट के विचार का जिक्र किया। तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन राइट होगा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 3, फ्रांस में बिना घुटनने वाले पुरुषों द्वारा पहनी गई लाल टोपी किसका प्रतीक है। तो स्वतंत्रता मतलब आज़ादी का, ठीक है ना, सही ऑप्शन। फिर से देखो, फर्स्ट में ए, सेकंड में ए, थर्ड में आपका सी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने दैवी और निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया। तो जॉन लॉक, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, इन्होंने किया था। क्वेश्चन 5 है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के राष्ट्रीय रंग निम्नलिखित में से कौन से थे, ठीक है, तो नीला सफ़ेद लाल, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 6, फ्रांस का देशभक्ति गीत मार्सिले के रचयिता कौन हैं। तो रोजेट दी लाइल, ऑप्शन बी, ठीक है। फिर से देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ए ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 5 सी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 6 बी ऑप्शन राइट है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। तो पेस्ट्री भी थे, घड़ी साज भी थे, छपाई करने वाले भी थे, तो ऑप्शन कौन सा लगा देंगे हम, डी, उपरोक्त सभी, ठीक है, ये राइट होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 8, त्रिकोणीय दास व्यापार में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल थे। तो अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप शामिल थे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 ए ऑप्शन, क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में बच्चों कह रहा है कि अगर ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करेगा तो ए ऑप्शन लगाएंगे, ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या ना करे तो बी ऑप्शन लगाएंगे, ए सही है आर गलत है तो सी लगाएंगे, ए गलत है आर सही है तो डी लगाएंगे, ठीक है, ए बी सी डी में हमको आंसर देना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 9 का ए कह रहा है कि कथन ए, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज वर्ग विहीन था। तो ये क्या है हमारा, ये गलत है, ये गलत कह रहा है, और जो कारण है, रीज़न कह रहा है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में राजतंत्र था, ये बात सही है। तो मतलब अगर ए गलत है, सीधी सी बात है, तो यहीं पर समझो, अगर ए गलत है, ठीक है ना, ए गलत है आर सही है, तो कौन सा ऑप्शन लगाना है, डी, तो ए गलत है आर सही है, इसका मतलब हमें कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, 9 में डी, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लियर है, 9 में आपका डी है। क्वेश्चन 10, तो क्वेश्चन 10 में जो कह रहा है, जैकोबिन क्लब के सदस्यों को सोकुलात कहा जाता था, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, राइट है। फिर कह रहा है आर, जैकोबिन क्लब के सदस्य बिना घुटनों वाली पैंट पहनते थे, तो पहनते थे, ठीक है, लेकिन पहनने का मतलब ये नहीं है कि सोकुलात का इससे कोई मतलब है, ठीक है ना, एक मिनट, एक पेज दिखाता हूँ NCERT बुक की, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, तो एक बार देख लो पेज, उसको पढ़ते हैं फिर समझ में आ जाएगा। तो इस पेज को देखिए, ध्यान से एक बार पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है, यहाँ से पढ़ो, जैकोबिन एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबे पतलून पहनने का निर्णय किया, ऐसा उन्होंने समाज, ध्यान से पढ़ो, समाज के फैशन वर्ग खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, घुटन्ना जिसको बोलते हैं, घुटन्ना
पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया, यानी पहले वो पहनते थे, ठीक है ना, पहले वो घुटने तक जो कपड़े पहनते थे उनसे अलग करने के लिए इन्होंने कुछ और सोचा। क्या सोचा? अलग करने के लिए किया। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये है ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था, ठीक है ना, मतलब वो जो पहनते थे ये उनसे अलग पहनने के लिए, पहनावे के लिए सोचे। तो आगे देखो आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए जैकोबिन को सौ कुलात के नाम से जाना गया, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाले, बिना घुटनने वाले, ठीक है ना। सौ कुलात पुरुष लाल टोपी, लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, ये भी अभी ऊपर पड़े हो, ठीक है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, ठीक है, कि बिना घुटनने वाले पहनते थे, तो मतलब इसका ये है कि आगे देखो एक मिनट। तो अभी ने अभी आप सभी ने क्या पढ़ा कि जिसका अर्थ था बिना घुटने वाले, ठीक है ना, सौकुलात का अर्थ था बिना घुटने वाले, तो मतलब जैकोबिन क्लब के सदस्य बिना घुटने वाले जो पतलून पैंट पहनते थे, ठीक है, वो इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जैकोबिन क्लब जो था वो सौकुलात इसीलिए कहा गया बिना घुटने वाले उसका शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, और यहाँ 9 में आपका डी ऑप्शन राइट है। तो ये थी असेसमेंट 10 SST कंप्लीट हुई। कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।